वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है वो है वेनसडे और डेट है 1st of December। टाइम हो रहा है 1, तो 1 बज चुका है और बच्चों की यहाँ पे जो है क्लासेस चल रही है, इनके एग्ज़ाम होते हैं जो कि अब जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ क्लास चल रही है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ और इसकी जो है क्लास वो ओवर हो चुकी है। तो ये जो है यहाँ पे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो आप? तो ये अपना खेल रहा है और आज का जो वेदर है वो ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून वापस आ गए होंगे। तो बारिश लगी हुई है, दिख रहा है बाहर? वेट। तो ये है आज का ब्यूटीफुल वेदर। तो पूरा बारिश आ रही है, मॉर्निंग से बारिश लगी हुई है। जब मैं योगा से वापस आई थी लगभग 8 बजे, तो 8 बजे से बारिश नॉन स्टॉप लगी हुई है और अभी तक बंद नहीं हुई है। देखते हो ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून लगा हुआ है। तो अब जो है मेरी लंच की तैयारी है, तो अब मैं जो है लंच बनाऊंगी। और लंच में आज जो है मैं बना रही हूँ पालक का ढकलू। अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो इसको आप पालक का साग समझ लीजिए। तो पालक का साग चावल में मैं बना रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में और आज हम बनाएंगे पालक का साग। तो ये जो है मैंने धो के जो है एक बर्तन में रख दी थी। तो अब जो है मैं आपको बताऊंगी आगे आगे कि इसको बनाना कैसा है। वैसे जो है हर किसी का अपना अपना तरीका रहता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। और इसको हमारे पहाड़ में जो है बोलते हैं ढपलू। हाँ, ढपलू बोलते हैं। और ठंड में बनाया जाता है क्योंकि पालक वैसे ही गर्म होती है। तो आज जो है वेदर मतलब ठंडा तो नहीं है, बट बाहर बारिश लगी है तो लग रहा है कि चलो बरसात का टाइम है, थोड़ा सा तो ठंडा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ली है पालक और मैंने इसको जो है अच्छे से धो भी दिया है। तो अभी जो है मैंने इसको सिर्फ पानी में रखा है थोड़ी देर के लिए। तो अच्छे से धोने के बाद जो है हमें इसको करना है कुकर में ट्रांसफ़र। और उसके बाद जो है हम कुकर को चढ़ा देंगे गैस पे। तो हमें जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सीटी निकालनी है, उससे ज़्यादा आप इसको ना पकाएँ। तो इसके साथ ही साथ जो है हम बनाएँगे इसका मसाला। यहाँ पे जो है मैंने लिया है 2 चम्मच तेल और इसमें जो है हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे से टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। और इसके साथ में जो है मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लहसुन, मतलब 2-4 कलियाँ होंगी। और इसके साथ हरी मिर्च, हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लें, अगर नहीं लगती है तो आप मत लें। और इसके बाद जो है हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर, और टमाटर के साथ ही जो है हल्का सा इसमें नमक भी डाल देंगे, इससे क्या होता है ना टमाटर जल्दी पक जाते हैं। और अब जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। और मसाले के साथ जो है हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा पानी, क्योंकि मसाले जल जाते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में, कभी कभी मसाले खाना जल जाते हैं कैमरा सेटअप करने के चक्कर में। तो इसके बाद जो है मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच बेसन। तो बेसन जो है थिकनेस के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो हमें जो है बेसन इसी के साथ जो है पका देना है। तो ये देखिए मैंने जो है पहले बेसन को भूना है मसाले के साथ और फिर जो है अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। इसमें जो है पूरा पानी डाल देंगे जितना हमें बनाना है ये साग, तो मैं इसमें जो है उतना पानी डाल रही हूँ। और अभी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम लिक्विड ही है, तो ऐसे ही रहेगी। जब हम इसमें जो है पालक भी ऐड करेंगे तो तब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाएगी। और थोड़ा देर पकने के बाद भी जो है, क्योंकि हमने बेसन इसीलिए डाला है ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो एकदम पतली ना हो, एकदम थिक हो, अच्छी हो। जी हमारी पालक भी पक चुकी है, तो इसको जो है मैं मिक्सी में जो है पीस लूँगी। आप सिलवट्टे में भी पीस सकते हैं, बट मेरे पास सिलवट्टा नहीं है इसलिए जो है मैं मिक्स में पीस रही हूँ। सिलवट्टे का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ जो है इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है, तो इससे क्या होता है ना बेसन अच्छे खासा पक जाता है, क्योंकि बेसन को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और हमारी पालक तो जो है वो ऑलरेडी पकी हुई है, तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं बेसन को यहाँ पर पहले पका रही हूँ। जो है मैं इसमें पालक ऐड करूँगी, मैंने पालक ऐड कर दिया। तो अब इसको जो है हम 5-7 मिनट और रखेंगे और उसके बाद जो है हम गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है और इसकी थिकनेस भी देखिए, अब जो है इसकी कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी हो गई है। तो जब भी आप ढपलू बनाएं आप इसकी कंसिस्टेंसी का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतला करोगे ना तो फिर इसमें आपको उतना टेस्ट नहीं आएगा, तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी थिक ही रखनी पड़ेगी। तो लंच जो है वो लगभग बन चुका है, तो ढपलू मैंने जो है वो पकाने के लिए रख दिया, सब कुछ हो गया, मतलब मेरा कुछ काम नहीं है, अब सिर्फ जो है उन्होंने पकना है। चावल भी जो है मैंने रख दिए हैं। मौसम जो है वो सुबह से वैसे ही है, अभी भी जो है वो बारिश लगी हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम यहाँ पे। अभी जो है मैं
विंडो के पास में ही बैठी हूँ, तो आज जो है फ़ैन की थोड़ा सा ज़रूरत कम लग रही है, वरना क्या होता है ना, इतनी गर्मी होती है दिन में आपका जो है फ़ैन के बिना काम ही नहीं चलता है, तो आज थोड़ा सा ठीक है। ये जी हमारा ढपलू एकदम तैयार है और इसका जो कलर है देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इसके साथ ही जो इसका टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा पानी पानी है और ना ज़्यादा थिक है, तो एकदम परफेक्ट है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो गाइस मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्लीज़ मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी किस तरीके की वीडियो जो है वो पसंद है, चाहे वो ब्लॉग्स हों चाहे वो मेकअप वीडियोज़ हों, ताकि जो है मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि मुझे किस तरीके की वीडियो आपके लिए बनानी है। वरना होता क्या है ना, हम अपने तरफ से तो वीडियो बना लेते हैं बट आपको पसंद नहीं आती है, आपको उस तरीके का कंटेंट नहीं देखना होता है, तो फिर उसमें जो है व्यूज़ नहीं आते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, फिर मन नहीं करता कुछ बनाने का, क्योंकि एक वीडियो में जो है एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, वीडियो शूट करो, वीडियो एडिट करो, अपलोड करो, तो बहुत सारा टाइम जाता है और हर कोई बिज़ी है अपनी बिज़ी लाइफ में से, इतना टाइम निकाल के जो है यूट्यूब को दे रहे हैं और उसके बावजूद अगर आपको जो है मतलब व्यूज़ ही ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको किस तरीके की वीडियोस जो है वो देखना पसंद है, ताकि जो मैं कंटेंट बनाऊं, जो वीडियोस बनाऊं वो उसी पे बेस हो और आपको भी अच्छे लगे और मुझे भी अच्छा फील हो। तो आई होप कि आप जो हैं आप सब मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे इसमें। हमारा लंच जो है वो बन चुका है, तो अब जो है हम लंच करेंगे, तो मैं आपको मिलती हूँ उसके बाद। तो आप जो है वीडियो में बने रहें, बज चुके हैं 5:45 और जो है लंच के बाद मैं सो गई थी इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो अब जो है बाहर भी जो है वो हल्का हल्का जो है ये देखिए अंधेरा होने लगा है, तो जो है अब हमारा चाय टाइम है, तो मैंने चाय रख रखी है, तो अभी जो है हम चाय पियेंगे। और बारिश जो है बारिश अभी भी लगी रखी है, हाँ तो बारिश जो है नॉन स्टॉप मॉर्निंग से अभी तक लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है। आपको सुनाई दे रहा है क्या बारिश की आवाज़? तो बारिश जो है नॉन स्टॉप लगी हुई है मॉर्निंग से 8 बजे से, और इस समय जो है 6 बजने वाला है, अभी तक जो है बारिश लगी हुई है। अब जो है मैंने चाय रखी हुई है, तो हम पियेंगे चाय। तो चाय जो है वो हो चुकी है तैयार, तो अब जो है हम चाय पियेंगे और मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर बाय।